आज जब मैं खाना बनाई तो क्या हुआ ना कि दाल चावल भुजिया और चोखा बना दी। अब हस्बैंड जी बाहर से आए, बोले खाना हमको दो, खाना में क्या है? बोले दाल चावल भुजिया बना दिए हैं तो और कुछ नहीं बनाई हो? हमके बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो नहीं, जो घर में चटनी बनाती हो वो क्यों नहीं बनाई? बस चटनी तो हमको अभी खाना है। अब भाई तुक पे आम कहाँ से आता? तो बगल में पेड़ था, उनसे हम एक आम मांगे कि एक आम हमको तोड़ के दे दीजिए। अब ये जिद कर रहे हैं हस्बैंड जी चटनी ही खाएंगे। तो जो घर में डेली रोजाना सबको पसंद है, हमारे बच्चों को काफी पसंद है ये चटनी, तो इसीलिए हम सोचे चलो बना ही देते हैं। जब चटनी ही बना रहे हैं तो क्यों ना हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो कि जब भी हो खाना दाल चावल भुजिया बनाए या ये चटनी बना करके रखे, आपके घर में भर भर कटोरी चट होने वाला है। अगर ये सीजन में आम का चटनी नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया फ्रेंड्स, तो आम के चटनी जरूर बनाइए। आम का छिलका हम यहाँ उतार लिए हैं, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चटनी के लिए ये क्यों इतना जोर देते हैं खाने के लिए, वो भी आप वीडियो में देख लीजिएगा किस चीज से हम बनाएंगे चटनी जो हमारे घर में सबको इतना पसंद है चटनी। और आम में देखिए यहाँ पे गुठली, मतलब वो जो आठी होते हैं ना गुठली, नहीं पड़े हैं, तो हम रफली इनको कट किए हैं। आज हम किस चीज पे चटनी बनाने वाले हैं आप वो भी देख लीजिए, एकदम बिल्कुल दादी नानी वाली एकदम, मतलब परफेक्ट एकदम देसी तरीके से चटनी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे आप वीडियो में देखिए। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज वीडियो में कमेंट करते रहे आप लोग, आपका एक कमेंट एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में व्हाट्सएप पर, और जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हम इनका गुठलिया निकाल लिए हैं, हमको तो कट कर लिए हैं। हम लोग घर में चटनी कैसे खाते हैं, एक लेंगे यहाँ प्याज, आप एक दो प्याज तीन प्याज ले सकते हैं। आप एक बार इस तरह से चटनी बना करके खाइएगा ना, आप डेली चटनी बनाइएगा, जब तक कच्चे आम रहेंगे तब तक चटनी आप बनाइएगा। प्याज का हम छिलका उतार लेते हैं, जिस तरह से आम को हम कट किए हैं ना उसी तरह से आम को कट करेंगे, उसी तरह से कट करेंगे, छिलका इनका उतार लेते हैं। अब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लीज लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, अब वीडियो को शेयर करते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो हमारी तो एक से एक प्यारी रहती है, प्यारी वीडियो को लाइक बनता है ना। तो देखिए हम ये वाला ऊपर वाला छिलका इनका हम हटा दे रहे हैं इस तरह से, और ये भी साइड हटा देंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, जिस तरह से आम का टुकड़ा हम कट किए हैं ना उसी तरह से आम को भी हम कट करेंगे, देखिए सॉरी प्याज को भी कट कर लेंगे इस तरह से, प्याज को हम सारे प्याज को कट कर लेंगे, मतलब एक टुकड़ा बचे हुए हैं उनको भी हम कट कर लेते हैं। देखिए देखिए बोले थे ना वीडियो में कि दादी नानी के जमाने वाले ये घर में सिलबट्टे हमारे यहाँ हमेशा रहते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हस्बैंड जी को मन करता है या बच्चों को कभी मन कर देता है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड जी को मन करता है सिलबट्टे वाला चटनी खाने के लिए, तो यहाँ पे हम सिलबट्टे एक खरीद करके पहले ही से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 5 से 6 लगभग लाल मिर्च है, ज्यादा तीखे नहीं है, गर्म पानी में 5 मिनट पहले आप डाल दीजिएगा। तो इनको ले लेते हैं, सबसे पहले मिर्च को यहाँ पीसेंगे, तो मिर्च पे हम लेंगे नमक ताकि अच्छे से चटनी हमारी पीस जाए, तो बारीकी हमें नहीं पीसना है, नमक और मिर्ची को हम पहले पीसेंगे बिना पानी डाले। देखिए कुछ इस तरह से दरदरा ही पीसेंगे हम, तो दरदरा ही पीसना है, देखिए नमक देने से कितना बढ़िया ये पीस गए। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेंगे आम, आम को हम इस तरह से थुरकुचेंगे, देखिए इसी तरह से थोड़े थोड़े करके हम थुरकुच करके आम को पीसेंगे, साथ में हम प्याज को भी मतलब क्रश करके पीस लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से करिएगा ना बहुत जल्दी पीस जाएंगे। देखिए तो इसी तरह से थोड़े थोड़े करके हम प्याज को भी थरकच करके पीसेंगे, तो इतना हम आपको पीस के आम और प्याज दिखा दिए। तो यहाँ पे हम लेंगे स्वाद के लिए 1 इंच अदरक, तो अदरक को भी हम इस तरह से ऊंचा कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसी के साथ लेंगे लहसुन करीब करीब 8 से 10 कलियां, और इनको भी हम हल्का दरदरा पहले पीसते हैं, इसी तरह से सबको हम पीसेंगे। पर इसी में हम लेंगे थोड़ा सा पुदीना, पुदीना आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा लीजिएगा, कम पसंद है तो कम लीजिएगा। तो चलिए इनको भी हम धो करके ले लिए हैं और पीस लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक भर भर के करें फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरा मनोबल बहुत बढ़ाता है, बहुत
मतलब मन लगता है, तबीयत भी खराब रहता है ना, वीडियो को झट से बनाते हैं, नहीं भाई हमारी ऑडियंस हमें हेल्प करते हैं, तो चलिए क्यों ना वीडियो दें उनको। तो इस तरह से आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम यहाँ चटनी को दरदरा पहले करते हैं, पूरा चटनी का आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, मतलब एकदम बारीक नहीं पीसना है, सिलवट्टा का चटनी ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ पे अच्छे से, इधर थोड़ा दरदरा है, इधर एकदम थोड़ा सा मतलब ठीक है, परफेक्ट। तो इसी तरह से हम चटनी को पीसेंगे, आप भी देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह की चटनी सिलौटी वाला, सिलवट्टे वाला अगर खाएंगे ना आप, बहुत मजा आएगा भाई। जब जिनको खाना है बना करके दे दीजिए, हम लोग गृहिणी को क्या है, जब बाल बच्चा और हस्बैंड ही नहीं खुश रहेंगे तो फिर क्या खुश करना है, तो उनके लिए तो बनाना ही है। तो देखिए यहाँ पे हम कितना बढ़िया से पीस रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी जरा मतलब वीडियो अच्छा लगे, आज का वीडियो आपको अच्छा लगना ही लगना है, इतना बढ़िया वीडियो है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से पीस रहे हैं। अब चटनी पीसते पीसते आदत नहीं है, मतलब बहुत कम पीसते हैं, थक गए। अब सोच रहे ऑडियंस से कुछ बात तो कर ले, तो बात तो क्या करना है फ्रेंड्स, यही करना है कि आप एक बार इस तरह की चटनी बना करके रखिए और करीब 15-20 दिन तक आप खा सकते हैं, जिस तरह से अचार खाते हैं ना उस तरह से। कैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, एकदम इनको कुछ नहीं होने वाला है, आप फ्रिज में रखिए चाहे ना रखिए। तो बात में यही फ्रेंड्स कि आप लोग कनाडा से, अमेरिका से, देहरादून से, जलंधर से, मतलब देश के कोने कोने से आप लोग कमेंट करते, कितना अच्छा लगता है, आप लोग हमको कितना मनोबल बढ़ाते हैं, मन एकदम क्या उसको देहाती में बोलते हैं, बिहारी में गदगद हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। जब आपका एक कमेंट आता है ना, इतना प्यारा लगता है। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को कमेंट करते रहिएगा, प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिए, मनोबल बढ़ाते रखिए। देखिए यहाँ पे हम चटनी को पीस लिए हैं, उठा लेते हैं। अब कैसे रखना है इन्हें 10-15 दिन, चलिए दिखाते हैं। अब चटनी तो पीस गई है और वादा भी किए हैं कि 10-15 दिन इनको चलाना है, तो कैसे चलाना है। तो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि इनमें तेल नहीं लेते हैं, सरसों तेल, चटनी अचार हो गया सरसों तेल का ही भागी है। तो यहाँ पे हम करीब 1 चम्मच के करीब लेंगे हम सरसों तेल, क्योंकि भाई हम लोग चटनी में सरसों तेल खाते हैं, तो इसलिए सरसों तेल बताए हैं आपको। देखिए भला चटनी कब खराब होने वाला है, इन्हें रोटी के साथ, चपाती के साथ आ रहे हो, देखिए हस्बैंड जी आवाज दे रहे हैं, उनको चटनी देना है, तो इन्हें रोटी चपाती के साथ दाल चावल भुजिया चोखा बनाए ना उनके साथ सर्व कीजिए फ्रेंड्स, इनको बहुत ही मजा आएगा चटनी। पहले उनको हम देते रहे चटनी, मतलब दे दूं, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। तो चटनी भाई आ गए हैं, इनको दे देते हैं 1 चम्मच चटनी। हस्बैंड जी को चटनी हम दे दिए हैं, तो आप लोग कहिए फ्रेंड्स, हम एक से एक रेसिपी आप लोग को नए नए देते हैं ना, ये हमारे पर्सनल घर का चटनी है, मतलब बदल बदल करके बनाते हैं, कभी सिर्फ खाली आम का हो गया, कभी आम धनिया हो गया, आज हम चटनी जो स्पेशल हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड जी को, पूरे परिवार को पसंद है, वो चटनी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जब हम शेयर किए तो आप भी शेयर कीजिए ना फ्रेंड्स, है ना। इस तरह से बना करके आप एक छोटी सी जार में, जैसे कि इस तरह के आपके पास जार होगा ना, एयर टाइट जार में इनको रख दे और इन्हें धूप में रख दे, कभी भी चटनी नहीं खराब होगा, एकदम नहीं। तो इस तरह से रख दे, हमारे घर में तो बचने वाला नहीं है, इसीलिए इस तरह के जार में हम नहीं रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की चटनी का रेसिपी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय। ये देखिए चटनी।